नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बना रहे महाशिवरात्रि स्पेशल झटकी पट मेंदू वड़ा और उसके साथ हम बनाएंगे सीक्रेट के साथ चटनी। रिजल्ट तो देख रहे हो ना, अंदर से कितने सॉफ्ट है, बाहर से बहुत ही करारे हैं। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखो दोस्तों, सही कहते आप पुराना तरीका भूल जाओगे। जो नए लोग पहली बार बनाना चाहते हो वो भी झट से बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक कप जितना व्रत वाला चावल लेना है, इसे वरई भी कहा जाता है और सामा भी कहा जाता है। तो इसे मैं मिक्सर के जार में इसे पाउडर के जैसे पीस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से पीस कर लिया है, आप देख सकते हो पाउडर के जैसे परफेक्ट। हाँ दोस्तों, कभी भी आपको यहाँ पे उपवास का मेंदू वड़ा बनाना हो तो भगर को हमें यहाँ पे पीस कर लेना, ऐसा पूरा वाला डालना नहीं। यदि पूरा आखा ऐसे ही डाल दोगे फिर जैसे जैसे वैसे रिजल्ट इसका आएगा नहीं मेंदू वड़े में। अब यहाँ पे मसाला रेडी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुटन ले लेते हैं 4 हरी मिर्च। यदि आप मेंदू वड़ा ज़्यादा तीखा यानी स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो इसमें एक्स्ट्रा भी मिर्च आप डाल सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे हमने 2 में कट कर लिया है। 1/2 चम्मच जीरा लेना है, थोड़ा मैं बचा के रखूंगी क्योंकि हमें चटनी भी बनानी है ना व्रत वाली, इसलिए। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश वाला मीठा कड़ी पत्ता और इसी के साथ ही डालेंगे हल्का सा धनिया, थोड़ा ही डालना है बाद में हम धनिया। हाँ दोस्तों, यदि आप व्रत में धनिया खाना पसंद करते होगे तो आप डाल सकते हो, नहीं खाना पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी वजह स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे उपवास वाला नमक सेंधा, स्वाद अनुसार डाल देते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। यदि आप कूटना नहीं पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, आप इसे मिक्सर के जार में दरदरा भी पीस सकते हो। तो यहाँ पे मैं कूटना ही पसंद करूँगी, उसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, पर टेस्ट एक नंबर आती है। तो क्यों ना भी मसाले को हम कूट लेते हैं। और यहाँ पर हमने कूट लिया है मसाला एकदम परफेक्ट, मैं आपको लेके बता देती हूँ चमचे से, देख सकते हो। अभी करेंगे आगे की प्रोसेस। अब यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और पैन में 1 चम्मच हमें घी डाल देना है। घी को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। घी गर्म हो चुका है, यहाँ पे डालेंगे कूटा हुआ मसाला। हाँ दोस्तों, मेंदू वड़ा बना रहे तो मसाला सेक के लेना है, कच्चापन लगेगा तो मजा आएगी नहीं मेंदू वड़ा खाने में। अभी इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रख लेनी है। अभी यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से सॉटे कर लेते हैं घी के अंदर, यानी कुक हो जाएगा। अभी यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। चमचे को मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। जिस नाप से हमने भगर लिया था यानी कि सामा यानी व्रत के चावल, उसी नाप से हमने 2 कप जितना पानी लेना है, 2 कप देख सकते हो, थोड़ा कम है कोई बात नहीं, और इसे भर लेते हैं। 1 कप व्रत वाले चावल होते हैं तो 2 कप यहाँ पे हमने डाल देना है पानी, इसका परफेक्ट एक मेजरमेंट है। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है कड़क। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने कड़क उबाल लिया, यानी जो भी हमने मसाले डाले थे वो अच्छी तरह से घुल चुके पानी के अंदर। अभी जो हमने पाउडर के जैसे पीस कर रखा था व्रत वाला चावल वो पूरा डाल देते हैं इस तरीके से। अभी इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से चला लेते हैं, एकदम परफेक्ट। हाँ दोस्तों, व्रत में हम बहुत सारा कुछ जैसे खिचड़ी खा लेते हैं, भगर की खिचड़ी खाते हैं, साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, ऐसा कुछ नया चाहिए कि पेट भी भर जाए और टेस्ट भी आ जाए। तो इस तरीके मैं आपको एक रेसिपी ये शेयर कर रही हूँ, ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती तो हमें बताना है। अभी इसे अच्छी तरह से धीमी आँच पर अच्छी तरह से कुक होने को छोड़ना है, पहले अच्छी तरह से चलाना है। अभी थोड़ी यहाँ पर गुठली नहीं हमें चाहिए इस तरीके से, अच्छी तरह से हम इसे धीमी आग पे कुक कर लेते हैं और 2 मिनट चला भी लेते हैं। अभी यहाँ पे इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया, आप देख सकते हैं डो के फॉर्म में आ गया, पर अभी ये भी थोड़ा कच्चा है। अभी इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट ऐसे कुक होने को छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने इसे 5 मिनट धीमी आग पे इसे कुक होने को छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं डो कितना परफेक्ट बन चुका है हमारे ये, और हमारा जो व्रत वाला चावल भी कुक हो चुका है परफेक्ट, जैसे हमें चाहिए वैसे इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे ठंडा होने को रखना है, गरम गरम मेंदू वड़ा बनाना नहीं। यदि गरम गरम बनाने जाओगे तो फिर ऑयल पी जाएगा, ठंडा होने के बाद ही आगे की प्रोसेस करनी है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देना है। अब यहाँ पे बड़ा वाला बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देते हैं और इसे थोड़ा इसे अलग अलग कर लेना है, थोड़ा सा चला लेना है, यानी अंदर से जो भी वाफ होगी वो निकल जाएगी स्टीम, और ठंडा जल्द से जल्द हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे मिक्सर जार ले लें, अभी हम लोग व्रत वाली चटनी बना लेते, तब तक वो चावल हमारा ठंडा हो रहा है तो टाइम बच रहा है तो चटनी बना लेना उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने फ्रेश वाला नारियल लेना है, कोकोनट देख सकते हो, इसे मैंने 1/2 बाटी लिया हुआ है, इसे हमने पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है।
और इसी नाप से हमने आधा बाटी मूंगफली लेनी कच्ची वाली। यहाँ पे हमने भून कर ले लेनी कच्ची वाली मूंगफली लेनी है। और यहाँ पे हम लेंगे 3 हरी मिर्च ले लेते हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने 2 में कट कर लिया है। अब जाएगा थोड़े से फ्रेश मीठे कड़ी पत्ते और यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच जीरा जो मैंने पहले बचा के रखा था ना, वो ले लेते हैं। और इसी के साथ ही हम डालेंगे व्रत वाला नमक सेंधा स्वाद अनुसार डाल देते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश वाला दही डाल देते हैं। इसे चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। ये सीक्रेट तरीका है दोस्तों व्रत वाली की, क्योंकि दही डालने से चटनी का टेस्ट एक नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। बस यदि व्रत में धनिया खाना पसंद करते होगे तो डाल सकते हो, नहीं खाना पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। अभी आधा कप जितना हमें पानी डाल देना है और इसे हमें महीन पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने चटनी को अच्छी तरह से महीन पीस लिया है, आप देख सकते हो परफेक्ट। अभी इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बॉल ले लेना है, इसे चटनी हम डाल देते हैं। कितनी बढ़िया सी हमारी व्रत वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे व्रत वाला चावल जो हमने पका के रखा था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ पर हम लेंगे 2 आलू उबले हुए, इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। हाँ दोस्तों, आलू को उबाल कर ठंडा होने के बाद ही मैश करना है। यदि आप आलू को गर्म गर्म उबाल कर मैश करोगे तो आलू में थोड़ा पानी होता है, और ठंडा होने के बाद मैश करोगे तो आलू में थोड़ा भी पानी होता नहीं। आप देख सकते हो मेरे हाथ पूरे ड्राई है, तो आलू को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है हाथों से ही। अभी यहाँ पे हमने आलू को अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमने लेना है 3 चम्मच मूंगफली, इसे मैंने पहले ही भून कर रखी थी और इसे हमने दरदरा पीस ली थी, तो 3 चम्मच यहाँ पे मूंगफली डाल देते हैं। अभी यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेश वाला दही 1 चम्मच जितना, छोटा वाला चम्मच है इसलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच डालूंगी, यदि बड़ा चम्मच होगा तो 1 चम्मच परफेक्ट है। अभी यहाँ पे डालेंगे हल्का सा धनिया। अभी आपको लगा पहले भी धनिया डाल दिया था और अभी भी डाले, कोई नहीं, जितना धनिया आप डालोगे उतना टेस्ट आएगा। अभी यहाँ पे आपको लगेगा कि नमक तो डाला नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही मसाला बनाया था उसमें मैंने नमक डाल दिया था। अभी जितनी भी हमने सामग्री डाली थी इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो परफेक्ट हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको लेके बता रही हूँ, 1 कप यहाँ पे हमने व्रत वाला चावल डाला और सिर्फ 2 आलू, इसे इतना बड़ा हो गया। आप इसे 4 जन के लिए बना रही हूँ मैं, तो ये एकदम पेट भर के बन जाता है और जितना आप खाना चाहते हो उतना खा सकते हो, वो बहुत ही हेल्दी भी होता है। एक जो आप व्रत कर रहे हो तो एक बार ये लाओ खाओगे ना मेंदूवड़ा, तो आपको दिन भर में भूख भी लगेगी नहीं, और जो नहीं भी व्रत करते हो वो भी आप आराम से खा सकते हो। अभी मैं वड़ा बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं घी ले लेती हूँ। अभी आपको लगा घी को तो पिघलाया नहीं, हाथों की गर्मी से ही अच्छी तरह से घी पिघल कर हो जाता है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह से हाथों को हमें चिकना कर लेना है। जब हम इस मेंदू वड़ा बनाएंगे तो हाथों में ये चिपके ना, जैसे गर्मी की वजह से घी हमारा अच्छी तरह से पिघल गया हाथों में। अभी साइज आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, आपको कौन सा बड़ा या छोटा साइज आप खाना पसंद करते होगे वड़ा। तो पहले अच्छी तरह से इसे गोल राउंड में हमें बना लेना लड्डू के जैसे, और घी लगाने से इसकी शाइन भी अच्छी आ गई, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया। और इसे हाथों से इसे दबा लेंगे और इसे जो भी दरदरापन होगा इसे हाथों से इसे कर लेना है, यानी जो भी किनारा अच्छी तरह से नहीं दिखेगा इसे हाथों से दबाते रहना है, देख सकते हो। अभी बीच में यहाँ पे हमने छेद कर लेना है यानी कि डॉट, और हाथों से इसे हमें इसे गोल गोल कर लेना है। हाँ दोस्तों, आपको जो आप शेप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, पर यहाँ यहाँ पे मैंने मेहंदी वड़ा का शेप दिया है कि बच्चे से बड़े सभी को पसंद आता है, जो व्रत नहीं भी करते होगे वो भी खा सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि व्रत वाले ही खा सकते हैं। मैं आपको लेके बता रही हूँ, देख सकते हो घी लगाने से इसकी फिनिशिंग भी कितनी बढ़िया आ गई है, एकदम बढ़िया सी रिजल्ट आपके सामने। तो क्यों ना सारे वड़े इसे पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे वड़े बनाकर तैयार कर लिए, एक जगह ऑयल भी गर्म कर लिया है, अभी इसे हमें फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तेल गर्म कर लिया, अभी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो डाल देती हूँ, ये तुरंत ऊपर आ गया तो इसे समझ में आता है कि ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। यदि तले पे चिपक गया तो ऑयल गर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे एक एक वड़ा हम इसे डालते जाते हैं। और हाँ दोस्तों, गैस की फ्लेम हमें थोड़ी फास्ट ही रखनी, धीमे आँच पे इसे हमें फ्राई नहीं करना है, तभी हमारे वड़े कुरकुरे बनेंगे, नहीं तो फिर ऑयल पी जाएगा। तो इसे तुरंत टच करना नहीं, थोड़े टाइम के बाद ही हमें इसे टच करना है। अब यहाँ पे हमें टच करेंगे, अभी एक एक वड़ा यहाँ पे इसे क्या करना है, पलटी कर लेना है।
इस तरीके से थोड़ा भी ये चिपकाने और कुछ नहीं। अभी आप देख लेते हैं अच्छी तरह से ये गोल्डन फ्राई हो गए, आप देख सकते हो। और इसे 2 मिनट में थोड़ा उलट पुलट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से बना लिया है और 1 मिनट के लिए और इसे फ्राई कर लेना है, या नहीं तो क्या होगा, घाई गड़बड़ में लोग फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से क्रिस्पी लगेगा। तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए, इसलिए और 2 मिनट इसे फ्राई कर लेना है। अभी यहाँ पे हमारे मेंदू वड़े फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको लेके बता देती हूँ कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, रिजल्ट आपके सामने। यम्मी यम्मी, बाहर से करारे अंदर से रूई जैसे सॉफ्ट। तो क्यों ना फिर बाकी के सारे मेंदू वड़े इसे फ्राई कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने ऑयल में से निकाला है, थोड़ा भी ऑयल पिया नहीं है, रिजल्ट आपके सामने। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दिया महाशिवरात्रि स्पेशल झटकी पर चटनी के साथ मेंदू वड़ा, रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, थोड़ा भी इसने ऑयल पिया नहीं है, देख सकते हो। बाहर से कितने करारे, अंदर से रूई जैसे सॉफ्ट है। मैं आपको भी तोड़ के भी बता देती हूँ आवाज। ओहो यम्मी यम्मी।